राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम दिखाएंगे हमारे कान्हा जी के सैटरडे के स्पेशल सिंगर, और ये मैंने बना लिया उनके लिए कपड़े। ये मैंने बड़े कान्हा जी के लिए है, ये देखिए, ये मैंने कल ही बनाया है ये कपड़े। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कपड़ा कैसे लगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया, खाली फ्रिल डाले है कपड़े का। 10 नंबर जी और 4 नंबर जी गोपाल जी के लिए मैंने क्या नाप लिया है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये मेरे बड़े कान्हा जी के लिए, और ये मैचिंग मेरे छोटे कान्हा जी के लिए, ये देखिए। तो आज इन्हीं दोनों कपड़े से हम लोग करेंगे हमारे गोपाल जी के श्रृंगार। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारे वीडियो। तो ये है हमारे दोनों गोपाल जी तैयार हो गए हैं नहा धो के। ये हमारे बड़े बड़े लाडला है और ये हमारे छोटे गोपाल जी है। तो दोनों नहा धो के तैयार हो चुके हैं। अब इन दोनों को हम लोग पहना देंगे, श्रृंगार करेंगे, कपड़े पहनाएंगे और ड्रेस पहनाएंगे। आज के श्रृंगार की खास बात यही है कि गोपाल जी के पूरे पोशाक, पूरे ड्रेस और उनके ज्वेलरी और उनके पगड़ी भी घर पे ही बना हुआ है। इनमें से कोई भी चीज़ हमने खरीदा हुआ नहीं है। छोटे गोपाल जी का पगड़ी खरीदा हुआ है, क्योंकि उनको थोड़ा सा मुझे अभी तक आया नहीं है उनको पगड़ी बांधना। मैं कोशिश कर रही हूँ, सीख रही हूँ, अगर मैं आ जाएगा तो मैं फिर उनको भी पगड़ी बांधूँगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब हम पहना देते हैं हमारे बड़े गोपाल जी को पगड़ी। ये देखिए दोस्तों, हमने इनको कपड़े पहना दिया है और अभी हम इनको तैयार कर देते हैं। हम कर लेते हैं तैयार अभी। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने इनके पीछे डोरी लगाया है बांधने के लिए। और मुझे नहीं लगा था कि इनकी फिटिंग्स इतनी अच्छी आ जाएगी, क्योंकि मैंने इनके लिए बहुत ज़्यादा कपड़े तो बनाया नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू कर रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, मुझे तो इनकी कपड़े का फिटिंग्स बहुत ही अच्छा लगा है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है फ्लावर ड्रेस जैसा। अब हमारे छोटे बाबू को भी ज़्यादा देर हम नहीं बैठा सकते हैं, तो उनको भी हम तैयार कर लेते हैं जल्दी से। ये बहुत ही प्यारी लग रहे हैं ये ड्रेस में, तो ऐसा लग रहा है बिना श्रृंगार के ही इतने सुंदर हो चुके हैं ये देखने में। और ये मेरे छोटे लाडला हैं, इनको भी मैंने पीछे डोरी की बंदोबस्त किया है। इनको भी थोड़ा मैं फिट करके बांध लेती हूँ पीछे से डोरी, और फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारे छोटे लाडला भी तैयार हो चुके हैं और मुझे तो ये दोनों बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं। आप फ्रेंड्स ज़रूर बताइए आपको कैसा लग रहा है। अब इनको हम बांध लेंगे कमरबंद। ये हमारे बड़े गोपाल जी का कमरबंद है, क्योंकि इनके लिए ये कमरबंद इनके कमर में बहुत अच्छा फिट होता है। तो आज हम इनको ये वाला कमरबंद लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इनको हम लगा दिए हैं कमरबंद। और इनको अब हम पहना देंगे माला। ये आज सैटरडे के दिन है, तो हमने जैसे कहा था कि इनको हम ब्लू कलर से श्रृंगार करते हैं। कोई कोई इनको ब्लैक कलर से भी श्रृंगार करते हैं, पर मेरे पास ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन का ड्रेस अभी है नहीं, और मुझे ब्लैक से ज़्यादा ब्लू में श्रृंगार करना पसंद है, तो मैं इसीलिए इनको ब्लू कलर में श्रृंगार करती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे गोपाल जी सभी लोग पूछते हैं कितने नंबर के हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये 10 नंबर के गोपाल जी है मेरे, और ये मेरे 4 नंबर के गोपाल जी है छोटे वाले। 10 नंबर के गोपाल जी लगभग 9 इंच तक लंबाई में है, और ये मेरे छोटे वाले गोपाल जी पहले आए थे हमारे घर पे, और ये गोपाल जी बाद में आए। ये छोटे वाले गोपाल जी का कमरबंद है, क्योंकि उनको उतना हैवी कमरबंद नहीं लगा सकते, तो हम इनको जो है थोड़ा सा हल्का कमरबंद लगाते हैं। वैसे तो डोरी वाली ड्रेस में वैसे ही फिटिंग बहुत अच्छे से हो जाता है, कमरबंद का अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन क्योंकि ये अच्छे दिखते हैं करके मैं इनको भी कमरबंद लगाती हूँ। अब इनको हम लगा देंगे बाल। ये देखिए, ये छोटे वाले गोपाल जी को बाल लगा दिए, और इनको हम अभी पहना देंगे
इनकी पगड़ी। तो दोस्तों देखिए छोटे वाले गोपाल जी मेरे तैयार हो गए हैं और इनको थोड़ा सा इत्र लगा देते हैं, थोड़ा सा इनको इत्र लगा देते हैं। चंदन का नए नए कपड़े पहने हैं और वो बहुत खुश दिख रहे हैं। दोस्तों आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। चलिए अभी जो है हम बड़े गोपाल जी को भी तैयार कर लेते हैं। बड़े गोपाल जी के लिए ऐसे हमने गुलाब का फूल वाला इयररिंग्स लिया है और ये इयररिंग्स में गम या मोम जो भी है आपको पूजा के दुकान में मिलते ही है उससे मैं चिपकाती हूँ। तो ये आज मैंने ब्लू कलर का नहीं पहना है, इनको इयररिंग्स कंट्रास्ट कलर में पहनाया क्योंकि ये कलर थोड़ा इस कलर से मैच होता है, आइवरी वाइट गोल्डन। तो बताइए दोस्तों आपको कैसा लग रहा है मेरा श्रृंगार। थोड़ा सा इत्र हम इनको भी लगा देते हैं। मुझे तो ये दोनों आज बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये मैंने सेम इसी कपड़े का एक लंबा सा टुकड़ा लिया है इस तरह से और मैं कोशिश करती हूँ कि इनकी भी पगड़ी मैं बांध पाऊँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि मैं इनकी पगड़ी कैसे बांध लेती हूँ या इनको पगड़ी मेरे से बंधवानी है या नहीं। तो शुरू करते हैं इनकी पगड़ी बांधना। थोड़ा इनका कपड़ा मैं नॉर्मली जो पगड़ी बांधती हूँ वो थोड़ा सा पतला लेती हूँ, लेकिन ये कपड़े थोड़ा सा हेवी और मोटा है तो पता नहीं मुझे अभी ये बांधने से बांधना हो पाएगा मेरे से कि नहीं या फिर कैसे लगेगा। तो चलिए दोस्तों आपके साथ साथ अभी मैं भी देख लेती हूँ कि इनको पगड़ी बांधने से कैसा लग रहा है। मैं ये सेफ्टी पिन से फिट करती हूँ, अलपिन वगैरह नहीं लगाती हूँ। अलपिन मुझे लगाना थोड़ा सा मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ तो इसीलिए ये इस तरह का सेफ्टी पिन होता है। तो ये सेफ्टी पिन से फिट करती हूँ। अभी मैंने इनके लिए कुछ कुछ कलर वो पगड़ी के लिए डिज़ाइनर कुछ लगाते हैं, ऊपर से डिज़ाइन बनाते हैं, वो सब कोशिश करूँगी बनाने के लिए, बन जाएगा तो मैं दोस्तों इनकी पगड़ी के ऊपर वो भी बना के अच्छे से सजाऊंगी पगड़ी को। अभी तो मैं इनको सिंपल सा पगड़ी बांधती हूँ और ये देखिए दोस्तों इनकी पगड़ी बन गई है। यहाँ पे एक पिन और लगेगी, पिन और लगेगी तो यहाँ पे साइड में मैंने एक पिन और दे दिया और ये हमारे गोपाल जी तैयार हो गए। ये मैंने घर पे ही एक बनाया था छोटा सा, देखते हैं ये अटैच कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। ये भी अटैच हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये अटैच नहीं भी होते हैं तो भी ये नॉर्मल जो पगड़ी है ये भी काफ़ी सुंदर दिख रहा है। तो ये हम इसको पीछे से अटैच कर देते हैं और फ्रेंड्स ये देखिए इनको पगड़ी बंधवानी थी तो इन्होंने पगड़ी बांध लिया है। इनको हम थमा देते हैं इनकी बांसुरी। तो ये हो गया अब आज के हमारे दोनों गोपाल जी तैयार। आप बताइए इन दोनों अब आपको कैसे लग रहे हैं। मुझे तो ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आपको कैसा लगा आप वीडियो ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने से भूलना नहीं है, बिल्कुल कमेंट करने से भूलना नहीं है। आपका कमेंट्स हमें बहुत ही एंथू देती है। और आप नया वीडियो में क्या देखना चाहते हो वो भी बताना। तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्तों। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम अपने गलाडू गोपाल जी को यहाँ पे बैठा दिया है और इनके भोग लगा दिया है और एक ये मध के डब्बा मैं हमेशा यहाँ पे रखती हूँ ताकि कभी आप बाई चांस भोग नहीं लगाना हुआ या उनको भूख लग गई तो वो यहाँ से मध लेके खा सकते हैं, हनी लेके पी सकते हैं। ये देखिए दोस्तों तब आपको वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बताइए। और तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्तों, बाय बाय।